This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. पूरा सारा गाड़ी वाड़ी यहीं पे पूरा रात भर पार्क था और यहीं पर डाल दिया था हमारा टेंट। तो कल रात हम यहाँ पे अपना टेंट डाले थे। यहाँ का नज़ारा मस्त है, जैसे कि हम यहाँ पे रोड पे आए और ऐसे ही रोड से आते ही यहाँ पे एक बढ़िया सा तालाब है, उसके ऊपर ऐसे जाने का है, वहाँ से हम लोग टेंट डाले। वहाँ पे बहुत छत था इसीलिए हमको रात भर ज़्यादा पानी वानी या ककर का ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। और पूरा टेंट के पूरा सामने पूरा पहाड़ और ऊपर पूरा बर्फ़ दिख रहा था और उसके पीछे हुए ये वाला मतलब सीनरी बोले तो ज़बरदस्त बब्बल सीनरी था ये। और ये है हमारा टेंट, ऐसे हम यहाँ के ऊपर इसके ऊपर चढ़ के जाते हैं। और कान्हा तो अभी तक सोया हुआ है शायद। कल जब हम गुलमर्ग पहुंचे तो करीब रात हो चुका था, तो उस टाइम पे हम ठीक से घूम नहीं पाए, बस उस तरफ थोड़ा गए थे, ऑफ रोड करके आए थे। और जब यहाँ पे पहुँचे तो इतना घूम नहीं पाए क्योंकि अंधेरा हो गया था। वहाँ पे कल रात का हमने खाना खाया था, ये एक मंदिर है और वहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क भी है, वो बहुत ही बढ़िया जगह है, वहाँ पे जाएंगे फिर। और ये है गोल्फ, तो यहाँ पे गोल्फ वगैरह खेला जाता है। और यहाँ पर भी मौसम बहुत ही मस्त है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। कहीं पर आप खड़े रहो तो हल्का सा गर्मी महसूस होता है, अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको ठंड महसूस होगा। और रात को भाई जो आप कैंप डाले थे ना, बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा हुआ था। कल जहाँ पे कैंप डाले ना, वो थोड़ा मतलब एक लकड़ी का ऐसा हुआ था, एक घर था उसके अंदर ही कैंप डाले, तो इतना ठंड हमको महसूस नहीं हुआ। मतलब पानी इतना नहीं ज़्यादा गिरा लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा था। क्या आप देख सकते हो इसका पूरा ऊपर भाग, मतलब ये पहाड़ी के अंदर किनारे ही है, तो ये वाला पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है वाला। और भाई यहाँ का सीनरी तो माशाल्लाह है। और ये जो एरिया इस पहाड़ी के उस तरफ पाकिस्तान है और हम लोग इंडिया पे है। बस ये आगे जो पहाड़ है उसको बोलते हैं गंडोला, बर्फ़ देखने के लिए ऊपर भी जाते हैं लोग। तो ये जो पहाड़ी है उस तरफ है पाकिस्तान, इस तरफ है इंडिया। तो यहाँ पे जाने के लिए आप ATV वगैरह कर सकते हैं, ATV को लेता है 4000। और यहाँ पर घोड़े पर भी आप जा सकते हैं, जबकि घोड़े लेते हैं आपसे 2000। वो जो ऊपर दिखता है वो आर्मी बेस है, वहाँ पर है गंडोला। तो आप वहाँ पर आर्मी बेस के पास जाके उस तरफ आप वहाँ पे घूमेंगे, बर्फ़ वगैरह का मज़ा ले सकते हैं और पाकिस्तान भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमको एक चाचा मिले, उनका नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे कभी भी आते हैं तो कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं, तो आपको वो पूरा घुमा लेंगे। तो यहाँ पे कहीं पर भी हम ज़्यादा टाइम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो एरिया है ये आधा टूरिस्ट के लिए है और ये आधा मिलिट्री का कैंप है, तो इसीलिए कहीं पर ज़्यादा टाइम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मिलिट्री लोग पिसल मारते बोलते नहीं खड़े नहीं सकते, जाओ जाओ निकलो, रास्ता भी छोटा सा है तो गाड़ी वाड़ी भी आ रहा है, बोलते नहीं ज़्यादा टाइम खड़े नहीं हो सकते। तो भाई आप यहाँ का नेचर भी देखो किस तरह का है, मतलब हर जगह पे हरियाली, आगे बड़ा बड़ा पेड़ और उसके ऊपर पहाड़ है और उसके ऊपर भी बर्फ़, और बर्फ़ के उस तरफ है पाकिस्तान। मतलब प्लेस के बारे में क्या होता है, गजब है, गजब जन्नत जैसा लग रहा है। बहुत जो गिरजाघर है और यहाँ पर ये कटेज की जैसा बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो भाई हम जब यहाँ पे आए थे तो बहुत सारे दुकान देखे, तो हर जगह पे प्राइस हमको थोड़ा ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे हम खाए थे जो कि थोड़ा नॉर्मल प्राइस में था, और यहाँ पे बिरयानी खाए थे और खाए थे आलू पराठा, बहुत टेस्टी था। और एक ही जगह है जहाँ पे अंडा हमको बॉइल 10 रुपये का मिला। और ये भैया भैया आपका नाम क्या है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, दुकान का नंबर वगैरह कुछ है इसमें बोर्ड में नहीं लगा है? न्यू वेजिटेरियन, न्यू बट वेजिटेरियन।
अच्छा तो यहाँ पे कभी भी आप आइए घूमने के लिए तो यहाँ पे भैया के पास नॉर्मल प्राइस में अच्छा अच्छा पूरा टेस्टी चीज़ मिलेगा खाने के लिए। और भैया का जो कावा बनाते हैं ना ज़बरदस्त था, कावा या क्या बोलते हैं, कावा, कश्मीरी कावा, बहुत ही बढ़िया था। ठीक है भैया चलते हैं, थैंक यू जी। तो अभी हम चलेंगे उस तरफ, वहाँ से घूम के इस तरफ निकलेंगे और यहाँ से सीधा चले जाएंगे श्रीनगर तक। तो यहाँ पर आगे व्यू पॉइंट था जो हम लोगों ने नहीं गया, वहाँ भी जाएंगे थोड़ा देख लेंगे वहाँ पे क्या है। आगरा की रास्ता है, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है तो जितने सारे लोग आते हैं लोकल लोग यहाँ पर कार लेके आते हैं, यहाँ पर रख के यहीं पर तो खाना पीना अपना पिकनिक वगैरह करते हैं। तो खाना पका नहीं रहा है, बस खाना लेके आए और यहाँ पे खा रहे हैं। ये यहाँ पे पूरा आर्मी कैंप रखा हुआ है और ट्रेनिंग सेंटर है उन लोगों का। और यहाँ पे कुछ सिविलियंस रहते हैं शायद, गंडोला गंडोला का रास्ता। अभी गुलमर्ग को बाय बाय करने का टाइम आ गया, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा श्रीनगर। यहाँ पे हम वो पूरा घूम लिए, कैंपिंग भी हो गया और अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, लेकिन यहाँ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अभी सीधा जाएंगे श्रीनगर। हमें ऊपर उठते हुए जितना डर नहीं लगा था, नीचे जाते हुए ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मतलब कहीं पर जाकर रास्ता ख़राब है तो आगे वाला पहिया स्लिप कर रहा है तो देख के चलाना पड़ेगा। मेरा टायर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, 50% ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अभी श्रीनगर में हम लोग पहुँच गए हैं, डल लेक यहाँ से होगा करीब 16 किलोमीटर। तो रास्ता तो पूरा सीधा दिखा रहा है तो फिर आगे चल के पूछ लेते हैं डल लेक कहाँ पे है। अरे डल लेक किस तरफ है? डल लेक, डल लेक जी, बिल्कुल सीधे, पूरा सीधा पहाड़ी नज़र आ रहा है। हाँ जी, आप उसके सामने पहुंच जाएंगे जी, फिर से जाना लेफ्ट, जब पहाड़ी होगा वहाँ से लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट फिर राइट। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 4-5 किलोमीटर। अगर पहाड़ और लेफ्ट, सीधा पहाड़ और पहाड़ लेफ्ट। श्रीनगर में हर तरफ मिलिट्री है, आप किसी गली में भी जाओगे किस तरह भी जगह आपको मिलिट्री कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा, हर जगह पे मिलिट्री यहाँ पे फहरा देती है। और आप कभी अगर श्रीनगर आते हो आपको कोई परेशानी हो या फिर कोई भी रास्ता वगैरह पूछना है तो आप मिलिट्री से पूछ सकते हैं, बोल लोग हेल्प कर देते हैं पूरा। अच्छा अभी हम लोग जाएंगे सीधा पहाड़ी आ गया, जहाँ से पहाड़ी सीधा यहाँ जाना है हम लोग को ले। चले चले चले
अच्छा फिर ये वाला गया है डल लेक। हाँ यहाँ पर तो हर जगह पे बोट हाउस है। ये पूरा डल लेक का एरिया, यहाँ पे जितने सारे बोट रखे हुए हैं ये सब घर है। बाहर से आता है तो इसको किराए पे ले सकता है, क्योंकि जैसे हम लोग होटल में जाते हैं रूम लेते हैं ना, तो ये पूरा रूम के जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पे पूरा हम किराए पे लेके रह सकते हैं। फिर बस किसी के साथ थोड़ा बार्गेन करना है अच्छी तरह से, एक रूम पे किराए पे लेके हम तीन जन को वहाँ पर रुकना है। तो ये है पूरा डल लेक का एरिया। कत पैसा का नौ मैंने पचल कौटा कौटा नहीं नहीं रहा बड़ा बोट हाउस नहीं लिए क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बोट हाउस को तो 2500 रुपया आएगा और उसके ऊपर से हम बाहर नहीं आ सकते, पर कभी भी बाहर आएंगे तो एक बार के लिए वो 200 रुपया लेंगे अप एंड डाउन का। मतलब ऐसे रहेंगे तो खाना खाने के लिए गाड़ी भी बाहर रहेगा, तो सिक्योरिटी के लिए थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने ओयो में बाहर एक रूम बुक कर लिया। अभी जा रहे हैं वो रूम देखने के लिए, वो अगर अच्छा लगेगा तो वहीं पर स्टे कर लेंगे। भाई ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट डल लेक के एरिया है, और जो बोट हाउस वगैरह रहने के लिए बोट में रहते हैं वो आगे है उस तरफ। हमें आज बोट हाउस में नहीं रहे क्योंकि मतलब वो क्या है ना, वो प्राइस तो थोड़ा ज़्यादा है, प्राइस का कोई मसला नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम अपने हिसाब से बाहर आ जा नहीं सकते। अगर कभी भी हम बाहर आना चाहें तो बोट को 200 रुपये देना पड़ेगा, लाने का 200 रुपया, फिर आके रिटर्न छोड़ने का 200 रुपया। तो फिर उसको कॉल करो, वो आएगा, वो आधा घंटे का प्रोसेस है। तो क्या हम कहें ना, हम बाहर एक रूम ले लिए, तो बाहरी रूम लेके वहीं पर रह गए। और जो शिकारा राइड था आज थोड़ा फ्रेशअप होने में लेट हो गया, कि हम तो गुलमर्ग से आता है तो थोड़ा लेट हो गया था, और ड्रेस वगैरह बहुत धूल मिट्टी हो गया था, तो इसीलिए हम फ्रेशअप होने के लिए थोड़ा लेट हो गया, तो आज शिकारा राइड नहीं कर पाए। तो कल हम शिकारा राइड करेंगे। तो आज बस ऐसे ही अभी फ्रेश होकर जस्ट आए, मैं अभी यहाँ का व्यू ले रहा हूँ, अच्छा व्यू है अभी। और यहाँ का मौसम इतना ठंडा नहीं है जैसे कि कश्मीर में गुलमर्ग था और पहलगाम था, जहाँ पर हम लोग गए थे वहाँ पर हम लोगों को बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है हम लोगों को। और कान्हा अश्विनी पीछे है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ लाइव, मतलब आगे घूमने आ गया हूँ। ये जो एरिया है ये डल लेक के मेन एरिया में से आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसके पीछे बोट हाउस वगैरह का, जो जाते हैं बोट हाउस में रहने के लिए वो पीछे बोट हाउस है उनके लिए, और ये बाकी बहुत सारा नाव है जो कि शिकारा राइड करने के लिए ले जाता है। तो ये 500-600 रुपये में पूरा करा देंगे शिकारा राइड, हम आज नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था। ये कल सुबह हम ट्राई करेंगे या फिर शाम को जरूर करेंगे शिकारा राइड। ये पूरा बोट हाउस, बहुत सारा बोट हाउस लगा हुआ है, और वो बोट हाउस के उस तरफ वो बोल रहे हैं मार्केट है, जो कि सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए वहाँ पर मार्केट है, सॉल वगैरह सब चीज़ ख़रीदने के लिए। और आगे में ये पूरा बोट हाउस है, और ये जो नाव में घूम रहे ये शिकारा राइड है। तो ये पर जितना भी सब बोट है सब बोट हाउस है, यहाँ पे सब किराए पे लेते हैं, जैसे कि ओयो वगैरह में होटल वगैरह रूम बुक होता है, इस तरह से बुक करके यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो रूम का किराया वो नॉर्मली 2500-3000 तक बताता है, लेकिन उनके साथ बार्गेनिंग करना होता है। जब उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं तो वो आ जाते हैं, वही 1000-1200 में आ जाता है, जैसे कि हमारे साथ 1200 में भी आ गए थे। और ये पूरा लाइटिंग वगैरह होता है, और उसका अंदर भी वो बोल रहे हैं कि आपका जो भी खाएंगे खाना पीना और आपका एवरीथिंग जो भी चाहिए आपको उसके अंदर पूरा चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो कश्मीर में तो रात 8 बजे सारे दुकान बंद हो जाता है, एक एक दुकान खुला रहता है बट मोस्ट ऑफ क्लोज हो जाता है। जैसे कि मैं भी खाने के लिए गया था लेकिन अभी खाने का दुकान कुछ नहीं मिला मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, प्याज खा लो, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग तो कश्मीर में पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या किए ना, बोट हाउस बुक नहीं किए क्योंकि कुछ रीज़न था, जैसे कि बोट हाउस से रह लेंगे लेकिन क्या होता है ना, वो बाइक को रखना पड़ेगा रोड की साइड में, उसे क्या होता है ना बाइक अनसेफ होता है। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है बाइक हमारा ठीक रहे ना, तो थोड़ा हमको अनसेफ लगा बाइक के लिए। और दूसरा बात यह है कि हम घूमने के लिए गए ट्रैवल के लिए, हमको नियरेस्ट कहीं पर भी जाना पड़ेगा कुछ मार्केटिंग के लिए, कहीं नियरेस्ट एरिया विजिट करने के लिए,
हमको वही बोट वाले को कॉल करना पड़ेगा, वो हमको लेके जाएगा, लेके आएगा, उसके लिए 200 रुपये लेता है, वो अलग है, लेकिन उसको आने के लिए 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा, तो टाइम का भी वेस्टेज है और हमारा गाड़ी भी ऑनसेप रहता था, इसीलिए हम लोग बोट हाउस बुक नहीं किए। और हमको वहाँ पे एक अच्छा वाला होटल भी मिल गया था ओयो में, वो भी कम दाम में मिला था, वो मैं आपको दूसरा वाला पिछअप में दिखाऊँगा। और शिकार राइड किए थे हम, वो सब कुछ है, मतलब कश्मीर विजिट का दूसरा वाला पिछअप भी ला रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड इफ पॉसिबल शेयर द वीडियो। तो अभी रात हो गया है, मैं भी खाने के लिए खाना बना रहा हूँ, आप लोग जाइए आराम से खा के सो जाइए। गुड नाइट, स्टे ट्यून, बाय बाय।